सभी का प्रभात क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज अपन ज्योमेट्री का ही एक टॉपिक है, ज्योमेट्री का रेखा एवं कोण के बारे में डेफिनेशन और उसे रिलेटेड परीक्षा के अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उससे संबंधित अध्ययन करेंगे। और मैथमेटिक्स की क्लास में हमने ज्योमेट्री से रिलेटेड ट्राइंगल पढ़ लिया और सर्कल और चतुर्भुज भी हमने अध्ययन कर लिया। तो ये एक और टॉपिक है इससे रिलेटेड, इस पर क्या है थोड़ा थोड़ी से रिलेटेड मैटर ज़्यादा है, तो आपको डेफिनेशन रखनी नहीं है, थोड़ा ब्रीफ में इसको ध्यान रखना है कि आसन कोण क्या होते हैं, रेखीय कोण योग क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो परीक्षा में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पटवार रीट में रीट फर्स्ट लेवल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इससे आते हैं, रेखा कोण से। ठीक है, तो जो जो मैंने बोर्ड पे जो जो पॉइंट लिखे हैं इन सभी पॉइंट को अपन टच करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि पहला पॉइंट है जो वो है साइड बिंदु। आप सब इससे शब्द को पढ़ते ही आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, साइड का मतलब होता है दूर या दूर से अधिक या तीन से अधिक जो बिंदु होते हैं, जो सभी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइड बिंदु। एक चीज ध्यान रखना, यदि दो बिंदुओं की बात करते हैं तो दो बिंदु हमेशा संरेख होते हैं। आप देखिए इधर मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु ये ले लिया एक बिंदु ये ले लिया, तो ये दोनों बिंदु हमेशा संरेख होंगे। आप रेखा खींचोगे तो ये दोनों एक ही रेखा बनेंगे, लेकिन संरेख बिंदु की जो कंडीशन है तीन या तीन से अधिक की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए दो बिंदु एक बिंदु ये और है, ये तीनों बिंदु जब एक ही रेखा में स्थित होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, संरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संरेख बोलते हैं। दो की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी क्योंकि दो जो बिंदु होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, संरेख। ये बी और ये सी, ये ए बी सी जो तीनों बिंदु है ये क्या होते हैं, संरेख। और इसकी एक कंडीशन ध्यान रखना, यदि तीनों बिंदु संरेख है तो एक इसकी कंडीशन बनती है ए बी प्लस बी सी बराबर किसके होगा, ए सी। ये आपको ध्यान रखना है, ये कई जगह काम भी आती है। आपको एक ऐसी कंडीशन दे दे, जैसे आपके जो निर्देशांक ज्योमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो वहाँ पे कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तीन बिंदु संरेख में हैं, इनकी बीच की दूरी इतनी, इनकी बीच की दूरी इतनी, इसके निर्देशांक दे दिए और आपको दूरी भी पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि तीन बिंदु संरेख में तीन या तीन से अधिक बिंदु की कंडीशन क्या पड़ेगा। सेकेंड है आपका समानांतर रेखा है, तो समांतर रेखा है पैरेलल लाइन को अपन क्या बोलेंगे, जैसे ऐसी दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं जिनकी बीच का जो गैप है वो सब जगह क्या हो, समान हो, और आप कितनी भी इसको आगे बढ़ा दो और अनंत तक बढ़ जाएगी लेकिन एक दूसरे को काटे भी नहीं क्योंकि प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जैसे इधर देखिए ये दो रेखाएं हैं, रेखा एल और ये रेखा, आपको केवल डेफिनेशन का ध्यान रखना है, परिभाषा याद नहीं रखनी है, आपको सिंपलिक फॉर्म में इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आपको जब भी समांतर रेखा बोले तो आप ये चीज ध्यान रखनी है, ऐसी दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं जिनकी बीच का जो गैप है वो सब जगह क्या इक्वल हो, आप इसको कितना भी आगे बढ़ा दो ये एक बिंदु पर आप इसको जैसे नहीं करेंगे। तो जैसे देखिए इधर मैं जैसे नाम लेता हूँ, ये रेखा एल है और ये रेखा एम है, तो समांतर रेखाओं को कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखने का तरीका एल समानांतर किसके होगी, इस तरह से लिखते हैं। जब भी अपन समांतर रेखाओं की बात करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे एल समानांतर है। मान लीजिए ये रेखा और है तो आप और करके लिख सकते हैं। तो समांतर रेखा डेफिनेशन बोलने के लिए बोले तो आप ये बोलोगे ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान हो और उनको आगे कितना भी बढ़ाया जाए तो एक बिंदु पर ही आपस में प्रतिच्छेद नहीं करते। उसके बाद में लंबवत रेखाएं, तो समांतर रेखाएं जस्ट क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे के साथ में क्या करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या करती है, 90 डिग्री का कोण। जैसे एक रेखा एल है और इसके ऊपर रेखा एम इस तरह से है, तो ये आपस में क्या कर रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। जैसे ये एम है और ये एल है, तो एल और एम आपस में एक दूसरे के साथ में क्या कर रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, एल परपेंडिकुलर है एम। तो आप सिंपली फॉरवर्ड जरूर ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, एल समानांतर है और यहाँ पे क्या है, एल लंबवत है किसकी, एम। जब भी लंबवत रेखा तो परिभाषा क्या बोलोगे, जैसे इससे आप परिभाषा बनाइए कि ऐसी दो रेखा है जो एक दूसरे के साथ में क्या करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या कहलाती है, लंबवत रेखा। उसके बाद अपन देखते हैं कोण। वैसे आपको पता है कि कोण की जब हम डेफिनेशन देखते हैं
तो एंगल्स को अपन कैसे परिभाषित करेंगे? कोण का मतलब है दो जो रेखाएं होती है, जैसे इधर देखिए ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है एक रेखा, इन दोनों रेखाओं का झुकाव, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि दोनों रेखाओं का झुकाव है, झुकाव का जितना माप है इसको अपन क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। या फिर ऐसे बोल दो कि मान लीजिए एक तरफ एरो का साइन है, दूसरी तरफ डॉट है, जिसको अपन किरण भी बोलते हैं, रे। तो दो किरणों का जो प्रारंभिक बिंदु है, इसके मिलने से इसका निर्माण होता है, कोण का निर्माण। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दो किरणें आपस में एक बिंदु पे आकर मिलती है, शीर्ष पे, इस वर्टेक्स पे, तो यही आपको क्या गलत कहेंगे। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि दो रेखाओं का झुकाव का जो माप है इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोण। अगला है कि इस कोण के टाइप्स को देखते हैं, तो कोण के पांच प्रकार है, तो थोड़ा सा इसका भी आपको ध्यान रखना है। पांचों प्रकार को मैं थोड़ा सिंपल फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको उसका ध्यान रखना। सबसे पहले आता है न्यून कोण, आपको दिख रहा है न्यून कोण का मतलब ऐसा कोण जिसका माप क्या होता है, 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे इसको मैं लिखने का तरीका क्या, जैसे ये न्यून कोण है जिसका नाम मैंने ले लिया थीटा, ले लिया ये थीटा है, तो इस थीटा का जो माप है वो क्या होगा, 0 डिग्री से क्या आएगा, बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। देखिए थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, तो आपको ये ध्यान रखना। परिभाषा आप जब भी पूछे तो आप इस तरह से इसकी परिभाषा बना सकते हो, परिभाषा याद नहीं रखनी कि ऐसा कौन जिसका मान 0 से बड़ा 90 से, आप सिंपली फॉर्मेट ध्यान देखिए, कंडीशन ध्यान देखिए, इसकी कंडीशन क्या होगी। फिर आता है समकोण, तो समकोण का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसा कौन जिसका मान कितने डिग्री को, 90 डिग्री, या थीटा किस डिग्री पर हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है। फिर आता अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब ये हो गया, इस कंडीशन को आप थोड़ा सा अप्लाई करिए कि थीटा का मान 90 से अधिक होगा लेकिन 180 से क्या होगा, कम होगा, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ये आपका थीटा है, तो थीटा का मान 90 डिग्री से क्या आएगा, अधिक आएगा, ये 90 डिग्री से अधिक लेकिन क्या होगा, 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो आपको अधिक कोण की ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि थीटा की जो वैल्यू होगी 90 से तो अधिक होगी लेकिन 180 से क्या होगी, कम होगी। उसके बाद में आपको कहने का सरल कोण, सरल कोण का मतलब एक सीधी रेखा पे बनने वाला कोण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सरल कोण। तो यहाँ पे सीधी रेखा पे बनने वाले कोण का मान कितना होता है, 180, तो आप क्या रखोगे, थीटा यदि 180 बन जाए तो कौन सा कोण बन जाएगा, सरल कोण, कौन सा कोण बन जाएगा, सरल। और फिर पांचवा इसका जो प्रकार है वो है आपका प्रतिवर्ति कोण, प्रतिवर्ति कोण आपने कभी अपने, अब जैसे अपने पास चंदा होता है उसमें तो 180 होता है लेकिन उससे भी ज्यादा एंगल पर आप चले जाते हो, यानी 180 से ज्यादा जाते हो, तो वो कौन सा एंगल आता है, प्रतिवर्ति। तो प्रतिवर्ति की वैसे देखेंगे थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 180 से तो अधिक होगी लेकिन 360 से क्या होगी, कम होगी, इसी को अपन क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ति कोण। ध्यान देना प्रतिवर्ति का मतलब है कि जो थीटा है इसका जो मान आएगा वो क्या होगा, 180 से ज्यादा होगा लेकिन 360 से क्या होगा, कम होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला जो कोण दे रखा है ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि पूरक कोण और समपूरक कोण, दोनों बड़े सिंपल है तो थोड़ा सा ध्यान देखिए। सबसे पहले है पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब है ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना होना चाहिए, 90। मैं आपको चित्र के माध्यम से बताना चाहूंगा, यहाँ पे जगह थोड़ी मेरे पास कम थी तो आप कंडीशन ध्यान रखो, बाकी इतना नहीं भाई, जैसे न्यून कोण है तो आप इसका ये कर सकते हो कितने डिग्री का बना दो, 60 का बना दो, 70 का बना दो, 80 का बना दो, 90 से कम होना चाहिए। समकोण आपको पता है इस तरह से 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। और अधिक कोण है तो आपको पता है कि यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, अधिक हो जाएगा मतलब 90 डिग्री से अधिक होगा, आप 120 ले लो, 105 ले लो, 110 ले लो, तो कोई भी ले लो, तो आप पूरक कोण के लिए क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना होना चाहिए, 90। जैसे मैं इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से आगे बताऊं, जैसे मान लीजिए यहां पे ये दो कोण है, एक एंगल ये है एक एंगल ये है, आपको दो एंगल दे रखे, जैसे ये एंगल आपका थीटा 1 है और ये आपका एंगल थीटा 2 है, तो मैं पूरक कोण ऐसा बोलूंगा ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होना चाहिए, 90। बस ये कंडीशन आपको ध्यान रखना, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों का योग है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री क्या कहलाएगा, पूरक कोण। जैसे एक 60 का है तो आपको पूछेंगे 60 का पूरक कितना होगा, आप बताओगे 30, क्यों, क्योंकि 60 और 30 जोड़ोगे तो कोण योग कितना होगा, 90। आपको पूछिए 70 का पूरक कितना होगा, 70 का कितना होगा, 20। तो इस तरह से आप कंडीशन ध्यान रखिए, दोनों कोणों का योग है वो कितना होगा, 90।
अब बात करते हैं संपूरक कोण। संपूरक का मतलब यही है प्रतिशत ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना होना चाहिए 180, कितना होना चाहिए 180, जिनकी दोनों का योग कितना होना चाहिए 180। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दो एंगल है, अभी अपन पढ़ेंगे आसन कोण पढ़ेंगे और रेखिक द्विगुण पढ़ेंगे, तो उसमें आप थोड़ा इसका और बताओ। जैसे मान लीजिए ये दो कोण है, इसमें भी आप देख लीजिए ये आपका थीटा 1 है और ये आपका थीटा 2, ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना होना चाहिए 180, कितना होना चाहिए 180, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होगा 180। आप देखिए आप जैसे मान लीजिए 120 का क्या पूछ लिया समपूर्व कितना होगा, तो 120 का समपूर्व कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60, दोनों का योग कितना होना चाहिए 180। जैसे आपको 150 का पूछ, जैसे मान लीजिए थीटा 1 150 है तो थीटा 2 कितना होगा, जब ये दोनों समपूर्व है तो 150 डिग्री कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो पूरक संपूरक, पूरक का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होना चाहिए 90, और संपूरक केंद्र क्या होता है ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो ये आपको दोनों पूरक और संपूरक का ध्यान रखना है। वैसे आपको डेफिनेशन कोई मतलब नहीं, आप इस तरह से सिंपली फॉर्मेट में आपको आइडिया होना चाहिए इसकी परिभाषा ये होती है, ठीक है। आगे आता है आसन कोण। आसन कोण का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक भुजा कॉमन होगी और दोनों का शीर्ष एक ही होगा। जैसे इधर देखिए आप, एक भुजा आपकी कॉमन है, जैसे ये आपकी भुजा ले ली एक भुजा, ये एक भुजा आपकी कॉमन है, ये आपको नजर आ रही है। जैसे मैं नाम लिख देता हूँ, ये आपका है ओ, ये बी और ये सी, आपको ओ बी जो नजर आ रही है, तो ओ बी क्या है कि दोनों एंगल में काम आ रही है। ओ बी क्या है, दोनों, एक एंगल ये है एक एंगल ये है। तो देखो एक एंगल का नाम क्या है, एक कोण का नाम ए ओ बी है, दूसरा बी ओ सी। तो ए ओ बी और बी ओ सी दो एंगल है, ये आपस में क्या है आसन कोण है। क्या है आसन कोण। आसन कोण की क्या कंडीशन, दोनों के अंदर एक भुजा उभयनिष्ठ होती है और दोनों का शीर्ष एक ही होता है, एक शीर्ष बनते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं आसन। कौन कौन से कोण आसन कोण होंगे, कौन AOB कौन BOC, दोनों क्या है आसन कोण। उसके बाद में रेखिक द्विगुण, ये इंपॉर्टेंट है आपको मैं बताऊंगा इस रिलेटेड परीक्षा के अंदर कई सारे क्वेश्चन, लेकिन एक लाइन आपको आइडिया यदि ध्यान है तो सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। रेखिक द्विगुण, रेखिक द्विगुण का मतलब होता है जैसे मान लीजिए मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, मैंने क्या बना दी स्ट्रेट लाइन बना, आपको ये भी सब ध्यान रखना एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री। तो मैंने क्या किया इस स्ट्रेट लाइन पर बहुत सारे छोटे छोटे कोण बना दिए, जैसे इधर 2-3 कोण बना दिए, ठीक है। तो आप स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बनाओ, जैसे यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं, अब 3 एंगल का मैं जैसे नाम दे देता हूँ, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3 है। आपको पूछ ले इसमें एक संबंध पूछ ले, रिलेशन पूछ ले कि रेखिक द्विगुण क्या होता है, तो आप एक चीज लिखोगे कि रेखिक द्विगुण का मतलब ये होता है कि सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं सभी कोणों का जो योग आता है वो कितना आता है 180 डिग्री। तो मैं कैसे लिखूंगा, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा 180। बस आप इसी कंडीशन को ध्यान रखिए कि जो रेखिक द्विगुण होंगे उनमें क्या कंडीशन होगी कि एक सरल रेखा पर जो बनते हैं कोण इन सभी कोणों का योग है वो कितना होगा 180। परीक्षा के एप्लीकेशन कैसे आएगा, परीक्षा में आएगा जैसे आप लोग x2 की वैल्यू 30 दे दी, यहाँ पे भी आप 60 दे दी और आपको x3 पूछ लिया, तो आप क्या करोगे तीनों का योग लगा के 180 करोगे। आप जिस जिस की वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर दोगे तो एक मान निकल जाएगा, जैसे 3 है तो 2 दे रखी होगी, एक आपको क्या करनी है। तो आप इस कंडीशन को फॉलो करिए, परीक्षा के अंदर आप सीधा दे देंगे भाई इस तरह से स्ट्रेट लाइन है और रेखिक युग में है और इन इन का मान इतना है तो इस कोण का मान क्या है, ठीक है। तो आपको सिंपल सी कंडीशन है कि स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं सारे एंगल का जो योग आता है वो कितना आएगा 180। अब आता है शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख का मतलब है जैसे आप देख रहे हो दोनों की जो शीर्ष होंगे वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे, कैसे जैसे इधर देखिए आप ये दो रेखा आपने इस तरह से काट रही है, ठीक है। तो इसमें कितने एंगल बन रहे हैं आपको नजर आ रहे हैं, जैसे ये आपकी ए बी है, यह बिंदु O है, ये B है, ये आपका C है और ये आपका D है, चार एंगल बन रहे हैं, दिख रहे सबको चार, 1-2-3। तो इसको क्या बोलेंगे, जैसे ही मैं देखिए AOD और BOC आपस में क्या है एक दूसरे का आमने सामने, और AOC और BOD आपस में क्या है शीर्षाभिमुख। और एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि शीर्षाभिमुख जो भी कोण होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, जैसे एंगल AOD, AOD बराबर किसके होगा BOC के,
AOD किसके बराबर होगा? BOC के। इधर से ले लेते AOC, एंगल AOC किसके इक्वल होगा? BOD के, एंगल BOD। तो ये आपको यानी शीर्ष अभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप कई सारे क्वेश्चन इसे हल कर सकते हैं। आपको शीर्ष अभिमुख कोण ये दे दिया तो ये निकाल सकते हैं। यदि एक एंगल दे रहे हैं तो सारे एंगल निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे देखो आप, यदि मान लो परीक्षा के अंदर ये BOD आपको 60 डिग्री दे दिया, सुनना ध्यान से, तो BOD 60 है तो AOC भी 60 होगा। अब AOC 60 है, आपको पता है AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ये 60 है तो कितना होगा 120, और ये 120 है, इधर वाला कितना होगा 120, जो कि आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो आपको बेसिक चीज ध्यान है तो क्वेश्चन आपको कैसा भी आएगा तो हल आप कर लो। अब आप देखिए संगत कोण और एकांतर कोण और अंतः कोण, तीनों को मैं एक साथ समझाने की कोशिश करूँ। एक अच्छा सा चित्र मैं तीनों का एक साथ बना रहा हूँ, अलग अलग नहीं बनाऊंगा, आपको एक चित्र में तीनों अलग अलग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों का एक चित्र देखिए, संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण। आपको ध्यान रखना है जब दो समांतर रेखाएं होती है उस पर एक त्रिक रेखा काटती है तो ये तीनों कोण बनते हैं, संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण, इनका तीनों का चित्र एक साथ आप देख लीजिए। जैसे देखिए यह बना देता हूं नीचे में, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इन दो समांतर रेखा, एक समांतर रेखा L है दूसरी रेखा M, इन समांतर रेखाओं को त्रिक रेखा P काट रही है, त्रिक रेखा P काट, त्रिक रेखा का नाम है P। देखिए दो समांतर रेखाओं को त्रिक रेखा P काट रही है, तो अब आपके एंगल बनेंगे, आप कितने एंगल बनेंगे, साई एंगल देखो कितने एंगल है, ये सारे कोण हैं। अब इस कोण को मैं नाम से प्रूव कर देता हूँ, अलग अलग नाम करती हूँ। जैसे देखिए एंगल एक, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है, ये छह है, ये सात है, ये आठ, मैंने नंबरिंग डाल ताकि हम पहचानने में ठीक रहे। तो कंडीशन क्या होगी जब दो समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? त्रिक रेखा। ये कंडीशन जरूर ध्यान रखना, दो समांतर रेखाएं हैं और त्रिक रेखा कौन सी है, त्रिक रेखा कौन सी है, त्रिक रेखा इसको पी काट रही, कौन काट रही है, पी काट रही। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर युग्म बनेंगे। तो सबसे पहला संगत कोण, संगत कोण का मतलब है कि दो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बनने वाले कोण, क्या कहलाते हैं संगत। आप सुनना ध्यान से, अब एंगल एक है तो कोण एक का संगत कोण सा होगा कोण पांच, दोनों रेखाओं के ऊपर और एक ही तरफ, दोनों इधर है दोनों ही ऊपर है। तो पहला देखिए कोण एक किसके इक्वल होगा, कोण पांच, यानी संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर भी। इधर से देखते हैं कोण दो का संगत कोण सा हो जाएगा, कोण छह हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा छह। फिर अंदर नीचे की तरफ देखते हैं तो कोण तीन का संगत कोण सा हो जाएगा, कोण तीन का संगत हो जाएगा कोण सात। इसी तरह से अगला देखते हैं कोण चार का संगत कोण सा हो जाएगा, कोण चार का संगत हो जाएगा आपका कोण आठ। तो ये चार आपके क्या है, संगत कोण है, ध्यान रखना। और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ध्यान रखना। एंगल एक का संगत पांच है, एंगल दो का संगत छह है, तीन का सात है, चार का आठ। एकांतर कोण का मतलब होता है कि जेड की आकृति के जो कोण बनते हैं वो क्या कहते हैं, विपरीत ओर बनते हैं, जेड की आकृति होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, ध्यान रखना। एकांतर कोण का मतलब जैसे देखो जेड की आकृति बन रही नहीं बन रही, इधर देखो अब ये जेड की आकृति, इसका मतलब एंगल तीन का एकांतर कोण सा हो जाएगा पांच, यानी कोण तीन बराबर क्या हो जाएगा, कोण पांच। फिर उल्टा जेड देखिए, ये ऐसा जेड भी बन रहा है उल्टा, तो कोण चार का संगत कोण सा हो जाएगा कोण छह, कोण चार का संगत कोण छह। तो ये आपका है एकांतर कोण और ये आपका संगत कोण। फिर बात आती है अंतः कोण, देखो एकांतर और संगत तो बराबर होंगे लेकिन अंतः कोण है वो बराबर नहीं होते। अंतः कोण में क्या होता है कि जैसे अंतः कोण का मतलब देखो आप, ये दो समांतर रेखाएं हैं, अंदर की तरफ एक ही ओर बनने वाले, जैसे कोण चार और पांच दोनों समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ बन रहे, इधर कोण तीन और छह, चार और पांच तीन और छह, तो एक अंतः कोण होता है, इनका जो योगफल होता है वो 180 होता है। क्या कंडीशन ध्यान रखोगे, अंतः कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180। जैसे देखिए इधर कोण चार प्लस कोण पांच बराबर कितना होगा, 180। इसी तरह से इधर से देखेंगे तो कोण तीन प्लस कोण छह का योगफल कितना आएगा, 180। तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अंतः कोणों का जो योग है वो कितना आएगा, 180 आएगा, बराबर नहीं होगा, ये चार और पांच आपस में बराबर नहीं,
जैसे मान लीजिए 100 डिग्री लेयर का ये कितने डिग्री आ जाएगा 80 डिग्री, यानी दोनों का योग है वो कितना होना चाहिए 180। तो संगत एकांतर और अंतर तीनों आपको इस एक कोण दे दे सारे कोण निकल जाए। कैसे देखोगे, मान लीजिए मैंने एक बराबर 30 डिग्री दे दिया तो 5 भी कितना होगा 30 होगा। अब 5 30 होगा इसका मतलब 4 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 4 150 8 कितना होगा 150 होगा क्योंकि दोनों संगत कोण है, ठीक है। और फिर ये आपका 150 हो गया। अब अपन क्या करते हैं, ये आपको दे रखा जैसे मान लीजिए एक और तीन, ये आपके भी मैंने बताया आपको शीर्ष अभिमुख कोण है, तो ये 30 डिग्री थी, इधर वाला कितना हो जाएगा 30 का, ये 30 है तो 7 भी कितना हो जाएगा 30 का, और ये आपको 150 दे रखा जेड की आकृति बन रही ये कितना हो जाएगा 150। आप एक कोण से सारे कोण आप निकाल सकते हैं, यदि आपको पता है संगत कोण ये होता है, अंतर ये होता है, अंतर कोण ये होता है, ठीक है। तो ये है मैं इसके बाद में इसके अंदर एक बहुत से रिलेटेड परीक्षा के क्वेश्चन आते हैं, तो इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गारंटी यहाँ से आने की संभावना 100% है क्वेश्चन बहुभुज से पूछा जाता है। तो थोड़ा सा बहुभुज देखिए और आप ये कंफ्यूज दूर कर दूंगा आज भी, जैसे मान लीजिए आपको पता है त्रिभुज के तीनों गुणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के 360 होता है, लेकिन पंचभुज षटभुज सप्तभुज अष्टभुज इनका पूछ ले तो कितने डिग्री याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, उससे रिलेटेड पढ़ते हैं। बहुभुज, बहुभुज का मतलब है जिसके अंदर बहुत सारी भुजाएं होती है, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है तो त्रिभुज ही एक बहुभुज है, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज ही एक बहुभुज है, ठीक है, पंचभुज है तो बहुभुज है, यानी जिसके अंदर क्या है तीन या तीन से अधिक भुजाएं होती है। जैसे त्रिभुज का नाम है, त्रिभुज एक प्रकार है बहुभुज का, ये ध्यान रखना कि त्रिभुज में तीन भुजा होती है, बहुभुज के अंदर गति आता है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं बहुभुज से रिलेटेड कई सारी छोटे छोटे दो तीन चीजें देखते हैं। पहली देखिए आप इसकी जो पहली चीज है इंपॉर्टेंट है बहुभुज, जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सा चित्र बना लेता हूँ पंचभुज का, ठीक है, अपन पंचभुज को आधार मान के देखते हैं, पंचभुज तो विकर्ण वैसे आपको पता है छह तक तो आप गिन लोगे ड्रॉ कर लोगे, लेकिन कभी कभार अष्टभुज दे दे, ठीक है, बहुत बड़ा दे दे, फिर वहां क्या कंफ्यूज होता है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है n n-3/2, क्या फॉर्मूला है n n-3/2, बहुभुज का ये आपको विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है n n-3/2। जैसे n का मतलब हो गया भुजा, तो भुजा कितनी है 1 2 3 4 5 6 भुजा है, तो n का मान आप कितना डालोगे 6 में से 3 जाएंगे 3/2, तो ये कितनी बार कट जाएगा 6 से 3 बार, 3 को 3 से करो कितना आएगा 9, तो इसके अंदर अपन विकर्ण ड्रॉ करेंगे तो कितने विकर्ण ड्रॉ होंगे 1 और फिर ये यहां से यहां मिला दी 2 और ये आपका 3, ठीक है, और ये आपका 4, फिर यहां से मिला ये 5, ये आपका 6, ठीक है, ये आपका 7, ये आपका 8 और ये आपका 9, ठीक है। तो ये 9 विकर्ण आ गए, विकर्ण इस तरह से निकालने हैं आपको, केवल फॉर्मूला फॉलो करना है, n का मतलब हो गया भुजा और भुजा डालोगे तो इस तरह से अपन विकर्ण निकाल लेंगे, ठीक है। तो विकर्ण वैसे आपको ये पता नहीं होता फिर क्या है कंफ्यूज होता है, बाकी आप जैसे बड़ा दे दिया सप्तभुज दे दिया अष्टभुज दे दिया तो वहां थोड़ा निकाल लेंगे क्या है कंफ्यूज होता है। तो पहला आपको ध्यान रखना बहुभुज की विकर्ण कैसे निकालेंगे n n-3/2। अब देखते हैं कि मान लीजिए बहुभुज के अंदर अंतःकोण कितना होगा, 22 कोण कितना होगा उसे रिलेटेड है। तो आपको एक ध्यान रखना है कि किसी भी बहुभुज का जो अंतःकोण होता है, ठीक है, तो देखिए किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रीट भर्ती की परीक्षा में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या फॉर्मूला है, n-2 × 180 डिग्री, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है n-2 × 180 डिग्री। अभी मैं आपको एक सारणी बताऊंगा और सभी कोणों का अपन योग भी देखेंगे, तो
तो उससे उसके बाद में फिर डेकम्पोजिशन भी करें। जैसे मान लीजिए हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में भुजा कितनी होती है, तीन, तीन में से दो जाएंगे पीछे रहेगा एक और एक 180 गुणा कर 100, तो यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसी तरह से अपन सारे निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है n-20। अब मान लीजिए बहुभुज कैसा, सम बहुभुज, सम बहुभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, इक्वल हो। और आप पूछ ले कि एक सम बहुभुज का प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए, देखिएगा सम बहुभुज का प्रत्येक कोण, सम बहुभुज का, सम बहुभुज का प्रत्येक कोण, तो सम बहुभुज का प्रत्येक कोण कैसे निकले, बड़ा सिंपल है। देखिए इधर, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक सम बहुभुज दे दिया, ये क्या दे दिया, ये दे दिया, जैसे आपको एक सम बहुभुज दे दिया जिसकी सभी भुजाएं इक्वल है, ये सम बहुभुज दे दिया। आपको क्या पूछा है कि प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक कोण का क्या मान आएगा। जैसे मान लीजिए सभी सभी बराबर आएंगे, समान भुजा तो सारे कोण इंदक्ष क्या आएंगे, सम बहुभुज के बराबर आएंगे, तो इन सभी कोणों का आपको मानना है। अभी मैंने आपको बताया कि बहुभुज का, ये एक बहुभुज है तो इसके अंतः कोणों का योग कितना है, अंदर वाले जो कोण बन रहे हैं सभी कोणों का योग कितना होता है n-2 × 180। तो प्रत्येक कोण निकालना है तो आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए इस कोण का मान मैं नाम दे देता हूँ, जैसे दे दिया आपने एन दे दिया, आपको इस एन का मान निकालना है, क्या निकालना है एन का मान, आप क्या करोगे एन बराबर, अभी आपको मैंने बताया कि एक बहुभुज है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है n-2 × 180 बट्टा, अब सुनना ध्यान से, प्रत्येक कोण आपको निकालना है n-2 × 180 अपॉन क्या हो जाएगी, भुजाएं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भुजाएं हो जाएगी। देखिए इधर, जैसे मान लीजिए सम बहुभुज का प्रत्येक कोण निकालना तो सारी भुजाएं देखो आप ऐड करोगे इसको आप, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आप देखिए इधर एक दो तीन कितनी भुजाएं हैं, छह भुजाएं हैं, तो छह भुजाएं इसका मतलब आप छह से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, किससे कर दोगे, छह से डिवाइड, कितने एक दो तीन चार पाँच छह, सारे कोण बराबर होंगे और सभी कोणों का योग कितना होगा आपको पता है, प्रत्येक कोण का मान कितना आएगा बटा क्या कर दीजिए भुजा की संख्या, भुजाओं की संख्या, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है आपको प्रत्येक कोण का मान निकालना है, तो प्रत्येक कोण का मान क्या आएगा, आप टोटल योग करोगे और टोटल योग जितना आएगा, जैसे मान लीजिए ये कौन सा है आपने इसका निकाल के बताते हैं, जैसे षटभुज है तो षटभुज के अंदर आप देखिए इधर कितना बनेगा, षटभुज के सभी कोणों का योग निकालते छह रखते हैं, छह में से दो जाएगा चार आएगा, चार गुणा करो कितना आ जाएगा 720, सभी कोणों का योग कितना आएगा समभुज 720 और बटे क्या आ जाएगा कितनी भुजा एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः से डिवाइड करो तो प्रत्येक कोण कितना आ जाएगा 120 डिग्री का, ये जो सारे एंगल है कितने डिग्री का है 120 डिग्री, तो प्रत्येक कोण निकालना है तो आप क्या करोगे टोटल योग करोगे उसमें भुजाओं की संख्या क्या लगा था। और अपन देखते हैं जैसे ये तो अंतः कोण हो गया, मान लीजिए इसका बहिष्कोण पूछ ले, क्या पूछ ले बहिष्कोण, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी सम बहुभुज का जो बहिष्कोण होता है उसका योग हमेशा 360 डिग्री होगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है, बहिष्कोण का योग कितना होगा 360। देखिए इधर सम बहुभुज के बहिष्कोणों का योग, बहिष्कोणों का योग कितना होगा 360। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब बहिष्कोण कैसे बनेंगे तो उसका भी आपको थोड़ा सा मैं चित्र के माध्यम से बता दूं कि जो समस्त बहिष्कोण आएंगे उनका सबका योग कितना आएगा 360। अब देखो सर, जैसे मान लीजिए इसका बहिष्कोण पता है, इसको जब आगे बढ़ोगे ये बहिष्कोण बनेगा, इस बहिष्कोण का सारे जो बहिष्कोण होंगे सभी बहिष्कोणों का अपन योग करेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। अंतः कोणों का योग ध्यान रखना है n-2 × 180, लेकिन बहिष्कोण का कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है, सभी बहिष्कोणों का 360। अब प्रत्येक बहिष्कोण निकालना है तो 360 के अंदर आप क्या कर दो भुजाओं की संख्या क्या लगा दो भाग लगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं छोटी सी सारणी देखते हैं सभी कोणों को, देखिए इधर यहाँ पे अपन टाइप ले लेते हैं छोटी सी सारणी, ज्यादा बड़ी नहीं है, जैसे आपने यहाँ ले लिया प्रकार, ठीक है, और जैसे प्रकार में आपने जैसे ले लिया त्रिभुज ले लिया चतुर्भुज ले लिया
पंचभुज ले लिया, छठभुज ले लिया, सप्तभुज अष्टभुज ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है भुजाओं की संख्या, आपको पता ही है सबको, जैसे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, और यहाँ आपने इसका योग निकालेंगे क्योंकि त्रिभुज की सभी भुजाओं के अंतः कोणों का योग कितना है, क्यों, और योग के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि अंतः कोण की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री वाला ये फॉर्मूला लगा के अपन निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज है, तो त्रिभुज में आपको पता भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 3। तो अयन का मान 3 रखोगे, 3 माइनस 2 करोगे 1, और कोणों का योग कितना आ जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आ जाएगा 180। चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होती है, 4। तो 4 में से 2 जाएगा पीछे, 2 रहेगा, 2 को इससे गुणा करोगे कितनी डिग्री आ जाएगा, 360 डिग्री। पंचभुज में भुजाएं कितनी होती है, 5 रखो, 5 में से ये जाएगा आपके 2, 3 रह जाएगा, और 3 को गुणा करो 18, 54, कितनी डिग्री आ जाएगा, 540। ये आपको रटना नहीं है कि भाई पंचभुज के पांच सभी कोणों का योग 540, ये आप फॉर्मूला एक ध्यान रखिए सारा निकल जाएगा। षटभुज में 6 भुजा, तो आप 6 रखिए, 6 में 4 जाएगा, 8 4 72 कितना आ जाएगा, 720। और षटभुज के बाद में सप्तभुज लेंगे, तो सप्तभुज में क्या होगा, 7 रख दो, 5 रह जाएगा, और 18 कितना हो जाएगा, 5 और 18 5 90, तो कितनी डिग्री आ जाएगा, 900 डिग्री। इस तरह से आप सारे कोणों का मान निकाल सकते हो, सभी का योग अपन इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला ही ध्यान रखना है कि सभी अंतः कोणों का जो योग है वो कितनी डिग्री आएगा, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। और समभुज बहुभुज की बहिष्कोण कितना होगा, तो समस्त बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होगा। प्रत्येक अंतः कोण निकालना, तो क्या करोगे, टोटल जो योग है एन माइनस टू इंटू 180 भुजा की संख्या का भाग लगा दो, उसके बाद में और किसी भी बहुभुज का अंतः कोण है आपको पता है n माइनस 20 आप विकर्ण निकालना बहुभुज का, तो विकर्ण का फॉर्मूला लगा दीजिए n n माइनस 3 अपॉन को, आप किसी का नहीं, सप्तभुज अष्टभुज नवभुज दसभुज जितने भी भुजा होंगे तो आप किसी का विकर्ण निकाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा बहुभुज है, परीक्षा में से रिलेटेड इस क्वेश्चन पूछा, रीट के अंदर सम बहुभुज से ये पूछा था, उसका आप क्या, जैसे मान लीजिए आपको क्या करेंगे, बहिष्कोण दे दीजिए, एक सम बहुभुज है उसका बहिष्कोण दे दीजिए, क्या दे दीजिए, जैसे मान लीजिए आपको क्या दे दिया है, बहिष्कोण दे दिया, तो बहिष्कोण देने पर आपको पहले बहिष्कोण से क्या निकालना है, अंतः कोण निकालना, जैसे मान लीजिए मेरे को 30 डिग्री बहिष्कोण दे दिया, अंतः कोण कितना हो जाएगा, 150 हो जाए। तो इस तरह से क्वेश्चन था ये कि जैसे मान लीजिए समस्त बहिष्कोणों का आपको योग दे दे, भुजाओं की संख्या पूछ ले, तो कोई भी पूछे ये सारा क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर जाए, किसी टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये है आपका रेखाएं कोण, तो थोड़ा सा इन डेफिनेशन को आप ध्यान से देखोगे और उसके बाद में ज्योमेट्री की आप क्वेश्चन हल करोगे तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। मेरी ये आपसे एक आदि ढंग से सारी चीज को आप ढंग से देखने के बाद में और ढंग से समझने के बाद में यदि आप कोई भी बुक लेकर क्वेश्चन करोगे ज्योमेट्री का, आपको हर क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं, परिभाषा रटनी नहीं है, आपको सिंपलिक फॉर्मेट में इसको ध्यान रखना है कि जैसे आपको सिर्फ सभी बुक कौन पूछ ले तो आपके दिमाग में इस तरह से दोनों रह गए आनी चाहिए, आमने सामने सिर्फ चौर पड़ते हैं, आमने सामने एक कौन क्या होना चाहिए बराबर, जिसे संगत एकांतर और ये अंतर कौन आ जाए तो आप इस तरह ये डायग्राम दिमाग में आना चाहिए। तो ये है आपका ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में आपने त्रिभुज पढ़ लिया, चतुर्भुज पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया और रेखा एवं कोण भी पढ़ लिया। तो ये आपकी ज्योमेट्री, ये चारों टॉपिक को आप ढंग से पढ़ लेते हो तो ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगा, गलत नहीं। धन्यवाद।